हरियाणा स्टीलर्स ने टॉस जीता, पहली रेड के लिए तमिल तलाईवास आएंगे। क्या हमें नरेंद्र देखेंगे, ये देखना होगा। जिसका हमें इंतजार है, नरेंद्र कंडोला काफी बेहतरीन तरीके से उन्होंने शुरुआत की है, 16वें मिनट में सब्स्टिट्यूट कर दिए। बोनस पॉइंट तमिल तलाईवास, बोनस के साथ शुरुआत। और अब चंद्रन रंजीत, चोटिल थे पिछले सीजन लेकिन इस सीजन आए हैं और इस पहली रेड में बेहद करीब आए थे उस मिड लाइन के। पर क्या आज रेडर्स क्रिएट करेंगे, चंद्रन रंजीत रनिंग हैंड टच। सिर्फ वन पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स। तमिल तलाईवास ने एक बड़े फासले से जीत हासिल की है। यहां पर नरेंद्र एक मल्टी पॉइंट रेड, सुपर रेड है। टू पॉइंट्स तमिल तलाईवास जिनके पवार के ऊपर सुपर टैकल का जरूर था लेकिन टू प्लस टू फोर पॉइंट्स ऑल आउट हरियाणा स्टीलर्स। तमिल तलाईवास और ये मुश्किल का समय है, ऑल इन मन मुताबिक डिफेंस है अजिंक्य का। देखिए कैसे अपने फुटवर्क को चलाते हैं, शफलिंग कर रहे हैं, कदम ताल कर रहे हैं, बीच में फंसे और निकल गए। That's it. तीसरी बार जेपी को बाहर किया, मल्टी पॉइंट ले गए अजिंक्य पवार। अब देखना होगा कि डिफेंडर्स क्या अटेम्प्ट होकर अटैक करने की ये गलती कर रहे हैं। लेफ्ट कॉर्नर बहुत ज्यादा, 21 ये बाहर नहीं निकल गए, वो लग रहा था। और ये जब तक विशाल देख रहे हैं कि क्या हुआ बस्तानी भाई, लगातार कोशिश करते जा रहे हैं अजिंक्य पवार और इस बार अजिंक्य पवार रोक लिए गए। बिजली की गति से आशीष डबल थाई होल्ड पर गए मारने। इस रेट के साथ वो मोमेंटम किसके पक्ष में जा सकता है, दो सफल डू ऑर रेड्स है। यहां पर अजिंक्य पवार की कोशिश, लगातार ये स्ट्रगल जारी है लेकिन ये सुपर टैकल हो जाएगा पूरा। रेड राउंड सुपर टैकल, टू पॉइंट्स हरियाणा स्टीलर्स। ये रॉफ सुपर टैकल मगर की चक्कर से बचना है मुश्किल। हरियाणा स्टीलर्स कमबैक की उम्मीदों पर पानी फेरना चाहते हैं। टू और टाई रेड है, सुपर टैकल के लिए जा रहे हैं और ये कोशिश क्या कामयाब होगी। लॉक सुपर टैकल कामयाब, मगर की जंगल से निकल पाना। हरियाणा स्टीलर्स ने आज सातवीं जीत दर्ज की। जयदीप ने हाई फाइव लगाया, राहुल सेठपाल ने हाई फाइव लगाया।